कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र यूनिट 4 से रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रियाओं की गति तथा उस अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा रसायन विज्ञान की शाखा को भौतिकी रसायन कहते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक सामान्य जो अभिक्रियाएं हैं। मान लीजिए आपका कोई सामान्य अभिक्रिया है, ये अवक्रिया एक मतलब रिएक्टेंट है, अवक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहा है बी। तो हम इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालें तो हम एक कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मान लीजिए आपका ए प्रोडक्ट है और टी समय में आपका ए में से मान लीजिए आपका 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम जो भी है कम हो जाता है और वो प्रोडक्ट बी बना लेता है। रिएक्टेंट ए जो है प्रोडक्ट बी बनाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है या जो अभिकारक है या क्रियाकारक है इसकी सांद्रता जो है समय के साथ घटती है और जो उत्पाद होता है मतलब प्रोडक्ट होता है या क्रियाफल होता है वो उसकी सांद्रता बढ़ती है। तो जो सांद्रता घटती है उसको हम माइनस से प्रयोग करेंगे और जो सांद्रता बढ़ती है उसको हम प्लस से व्यक्त करेंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर R बराबर माइनस डेल ए अपान डेल टी। डेल ए जो है ये आपका परिवर्तन है और डेल टी जो है समय अंतराल है और जो चौकोर ब्रैकेट जो लगा है ये आपका सांद्रता को व्यक्त करता है। और सांद्रता बराबर होता है जिसको हम सी से प्लॉट करते हैं मोल बटे आयतन। तो इस प्रकार से सांद्रता की इकाई जो होती है मोल प्रति लीटर होता है। अब हम यहाँ पर देखें कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है प्रारंभ में उसकी जब सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया की दर कम होने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक औसत अभिक्रिया की दर जो है उतना विश्वसनीय नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम कहीं हम मोटरसाइकिल में जाते हैं और उस मोटरसाइकिल में जाते हैं तो हम मान लीजिए आपका आधा घंटे में मान लीजिए आपका 30 किलोमीटर जा रहे हैं, आधा घंटे में 30 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ये जो समय है हर समय जो है समान गति नहीं रहता, कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी मतलब आपका ब्रेकर आ गया क्या मतलब भीड़ भाड़ आ गया तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाता है या खाली जगह तो वहाँ पर स्पीड बढ़ जाता है। तो उस सब का जो है औसत वेग इस प्रकार से निकालते हैं जैसे आपका रासायनिक अभिक्रियाओं का होता है। लेकिन हमें एक्चुअल में कौन सा समय में उसकी रासायनिक अभिक्रिया की वेग क्या होगी इसको ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए हमें मोटरसाइकिल में तुरंत तात्क्षणिक या तात्कालिक यदि हमें वेग निकालना होता है तो हम स्पीडोमीटर देखते हैं और स्पीडोमीटर जैसे ही हम रेस करते हैं बढ़ जाता है और जैसे ही स्लो करते हैं कम हो जाता है, तुरंत बताता है। उसी प्रकार से आपका ऐसा जो वेग होता है क्षणिक समय के लिए या तुरंत ज्ञात करें तो वह जो वेग होता है औसत वेग के बजाय हम तत्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और उस ये जो देख रहे हैं ये जो वेग है या अभिक्रिया की दर है ये औसत है। यदि हम इसको तत्कालिक अभिक्रिया की दर तात्कालिक अभिक्रिया की दर याद करें तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं डेल ए अपान डेल टी, यहाँ पर ले लेंगे डेल ए अपान डेल टी
यहाँ लिए लगा देंगे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ यानी हम समय को यानी कि धीरे धीरे कम करते आए और जीरो की ओर अग्रसित हो, तो ऐसा वेग तत्कालीन वेग कहलाता है। तो ये जो ये औसत वेग है और इस प्रकार से इसका उपयोग करें लिमिट डेल टू टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा तत्कालिक वेग, ये आपका हो जाएगा तत्कालिक वेग। इसको सुविधा के अनुसार से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी टी, ये कहलाता है अवकलन। हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म समय में सूक्ष्म सांद्रता में हुए परिवर्तन, ये होता है तत्कालिक अभिक्रिया वेग। अब यहाँ पर जो है जैसे पहले बता चुका हूँ कि किसी अभिक्रिया की वेग का निर्धारण हम उस अभिक्रियाओं का ही कर सकते हैं जिसका मापन हम कर सकते हैं या जिसका निरीक्षण हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं या बहुत स्लो होती हैं या पर्याप्त होती हैं, तो इसको देखते हुए किसी अभिक्रिया की दर को तीन वर्गों में बांट सकते हैं। तो तीन वर्गों में जो पहला है ये कहलाता है तात्कालिक अभिक्रिया की दर। तात्कालिक अभिक्रिया की दर का मतलब होता है ऐसे जो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को जैसे हम मिलाते हैं सेकेंड के करोड़ों छोटे हिस्से में तुरंत फास्ट रिएक्शन करता है, जिसको हम माइक्रो सेकेंड या पिको सेकेंड में कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ, तो क्रिया करा जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो जैसे ही हम मिलाते हैं एक दूसरे से तो तुरंत सफेद अवशेष बेरियम सल्फेट का प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया लगे जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को सोडियम क्लोराइड नमक के घोल से क्रिया कराते हैं, तो नमक से के घोल से क्रिया कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवशेष तुरंत बन जाता है और ये बना लेता है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो क्रिया है इतनी फास्ट होती है कि ये क्रिया करने में पीको या माइक्रो सेकेंड लगते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया का हम वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया तात्कालिक अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। दूसरा होता है मंद अभिक्रिया या अत्यंत मंद अभिक्रिया, अत्यंत मंद अभिक्रिया। जैसे हम देखते हैं कि लोहे का जंग लगना, तो लोहे का जंग लगना ये इसकी क्रिया महीनों दिनों सालों तक चलती रहती हैं, और ऐसे अभिक्रियाएं बहुत मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, बहुत मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे, और इनका हम प्रायोगिक निर्धारण या उसका प्रयोग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे अभिक्रिया का वेग निर्धारण हम नहीं कर सकते। तीसरा होता है Fe+O2+H2O Fe2O3+XH2, ये आपका जंग, ये आपका अत्यंत मंद अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया को हम कहते हैं सामान्य अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया। तो सामान्य अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसे अभिक्रिया जिसका हम वेग निर्धारण आसानी से कर लेते हैं और इसका अभिक्रिया होने में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 2 घंटे इस प्रकार से समय लग जाते हैं,
तो ऐसे जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सामान्य अभिक्रिया होती है, और इस अध्याय में उन सभी सामान्य अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करना जानेंगे या उसको सीखेंगे। तो जैसे सामान्य अभिक्रिया के अंतर्गत जैसे मान लीजिए आपका आता है जैसे एस्टर का जल घटक CH3COO C2H5 जिसको हम कहते हैं एथिल एस्टेट का जल घटक जल से क्रिया अम्ल की उपस्थिति में, और ये बनाता है एस्टिक एसिड प्लस अल्कोहल, या हम ले सकते हैं अमोनियम नाइट्राइड का अपघटक अमोनियम नाइट्राइड का अपघटक। यदि हम अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन और जल में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रियाएं होती हैं ये आपके सामान्य अभिक्रियाएं हैं जिसका हम वेग निर्धारण आसानी से कर लेते हैं। अब अगला हम चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स एफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पांच जो कारक यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो पांच कारक है वो पहला जो कारक है अभिक्रियाओं का सांद्रण। तो जैसे अभी हमने देखा अभिक्रिया की दर जिसको हम व्यक्त करते हैं आर, तो अभिक्रिया की दर जो आर है ये क्या होता है सांद्रता का परिवर्तन जिसको हम डेल एक्स मान सकते हैं अपान डेल टी। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी अभिकारक की सांद्रता एक्स है और समय अंतराल की समय में उसकी अभिक्रिया की दर जो होगी सांद्रता परिवर्तन के बराबर होता है, या हम बराबर को यहां पर समानुपाती शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह हो गया अभिक्रिया की दर, यह आपका सांद्रता में परिवर्तन, और यदि हम समय परिवर्तन है समय को इकाई मान लें मतलब डेल टी का मान एक मान लें तो हम कह सकते हैं कि उसकी अभिक्रिया की दर उसकी सांद्रता परिवर्तन के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ यदि किसी अभिक्रिया की दर अधिक है, इसका मतलब यह है उसकी सांद्रता अधिक है, जैसे जैसे सांद्रता कम होता है अभिक्रिया की दर घटती है। दूसरा पॉइंट होता है ताप का प्रभाव। तो जो ताप का प्रभाव है हम ये देखते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया के ताप को जिस ताप पर उपक्रिया हो रहा है उसके ताप के लिए हम 10 केल्विन बढ़ा दें, तो 10 केल्विन बढ़ा दें तो उस कंडीशन पर उस अभिक्रिया की दर जो है प्रारंभिक स्थिति में जो अभिक्रिया की दर से 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, जिसको हम ये प्रकट कर सकते हैं या आर बराबर लिख सकते हैं के डेल एक्स अपान डेल टी, जहां पर के जो है वेग स्थिरांक है। तो यहाँ के टी प्लस टेन के टी इक्वल या नियर अबाउट लिख सकते हैं 3 से 4 गुना या 2 से 3 गुना इस प्रकार से बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ जो वेग स्थिरांक है टी समय और टी प्लस 10 समय, टी प्लस 10 का मतलब होता है ताप में 10 केल्विन या 10 डिग्री बढ़ा दें उसकी अभिक्रिया की दर 2 से 3 या 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन ये भी है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ये ऊष्माक्षेपी होता है और एक होता है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को उत्सर्जन अवशोषण करता है ऊष्माशोषी, और जो ऊष्मा को उत्सर्जन करता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, लेकिन जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर घट जाती है। ये 2 चीज़ यहाँ पर होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है तीसरा है अभिकारों या उत्पादों की प्रकृति। तो यहाँ पर जो अभिकारक या जो उत्पाद होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हम जानते हैं कि वो यदि सरल अणु है, जैसे मान लीजिए ये आपका H2+ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये जल बनता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर जल बनता है, ठीक है। इसको बैलेंस चाहे तो आप हाफ लिख कर सकते हैं। इसी प्रकार से मीथेन है CH4+ ऑक्सीजन, तो इसको क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सरल अणु है हाइड्रोजन, और मेथेन जो है ये जटिल अणु है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में एक ही बांड है जबकि मेथेन में 4 बांड होते हैं। तो ये तो ये याद रखना है कि बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर एक बंध है इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसमें 4 बंध है इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो दूसरा बात यह है, ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध है, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध दुर्बल होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध प्रबल होंगे। तो ये सभी पर निर्भर करता है। और इसके बाद जो उत्पाद बनते हैं, जल बनता है, जल बनता है जैसे मान लिया आपका HOH या कार्बन डाइऑक्साइड CO इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब बंध टूटता है तो ऊर्जा लेता है या ऊर्जा हम उसको देना पड़ता है। अब जब वो फॉर्मेशन होता है, बंध बनता है, अणु बनते हैं, तो ऊर्जा वो रिलीज करता है या मुक्त करता है। तो उस प्रकार से मतलब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो क्रिया होगी वो आपका बंध होगी इसकी तुलना में, और ये क्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। इसी प्रकार जो और अन्य अभिक्रियाएं हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन या NO+ O, ये क्रिया बनाते हैं NO2, और इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं और ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये देख रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया कर ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये जो देखते हैं ये क्रिया तीव्र होती है और ये क्रिया मंद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पाद बनते हैं उस पर भी निर्भर करता है अभिक्रिया की दर उसका अधिक होगा या कम होगा। ये तीसरा पॉइंट कहता है अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विकिरण का प्रभाव। तो विकिरण का प्रभाव जो होता है, हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं जो विकिरण पर आधारित है। विकिरण का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश जो है हम जानते हैं जो है 3 प्रकार से प्रकाश को मुख्य रूप से भाग बांटा गया है, परावैज्ञानिक दृश्य और अवरक्त प्रकाश। तो हम जो दृश्य प्रकाश को ही देख सकते हैं, तो जैसे फोटोग्राफी जो होता है, जो स्टूडियो वाले होते हैं, मतलब जो रील वाले सिस्टम में पहले जो आता था उसमें फोटोग्राफी को लेकर हाइपोसोल्यूशन में मतलब रील को डालते थे अंधेरे कमरे में या लाल रंग की रोशनी में, ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये जो फोटोग्राफी जो फिल्म होता है वो प्रकाश के सेंसिटिव होता है और क्रिया करके वो आपका काला पूरा धब्बा बन जाएगा और फोटो बर्बाद हो जाएगा। तो इसको क्या करते थे, लाल रंग का बल्ब जलाकर अंधेरे में नहीं कर सकते थे तो ये इसका उपयोग करते थे, क्योंकि जो लाल
रंग की जो आवृत्ति है, उसकी जो फोटान है कह सकते हैं, उसकी आवृत्ति होती है वो कम होता है क्योंकि उसके तरंग लंबाई अधिक होती है। नीले रंग की जो प्रकाश होती है उसकी तरंग लंबाई कम होता है अर्थात उसकी फोटान अधिक होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये भी प्रकाश रासायनिक क्रिया है। तो विकिरण का प्रभाव का मतलब वही होता है, जैसे मान लिया आपका ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बिना प्रकाश के उपस्थित क्रिया कराते हैं, अंधेरे में कर सकते हैं, अंधेरे में क्रिया कराएं कि ये क्रिया मंद गति से होता है, ये जो क्रिया है मंद गति से होता है। और इसी क्रिया को यदि हम प्रकाश के उपस्थित क्रिया कराएं, लाइट की उपस्थिति, तो ये जो क्रिया है इसके दौरान एक जो गति होता है वो तीव्र हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें विकिरण का प्रभाव होता है, विकिरण की उपस्थिति में पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया करने की दर अधिक और इसकी अनुपस्थिति में कम हो जाती है। अगला पॉइंट होता है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक का जो प्रभाव होता है, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वे कारक होते हैं जो बिना रासायनिक संगठन में बदलाव किए हुए अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई अभिकारक है ए और बी क्रिया करके सी और डी बनाता है, मतलब ए और बी दो पदार्थ हैं, क्रिया कर वो सी और डी बना रहे हैं। अब इसको हम इस प्रकार से समझें, ए और बी को सी और डी बनने के लिए एक दोनों के बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक ऊर्जा का बैरियर होता है, और जब तक वो बैरियर को अभिकारक पार नहीं करेगा तब तक सी और डी यानी उत्पाद नहीं बनाएगा। अब मान लीजिए बैरियर का मतलब ये होता है, ये आपका प्रोडक्ट है और ये है रिएक्टर, अभिकारक है और उत्पाद है। ये भी अभिकारक सीडी में तभी बदलेगा जब ये जो ऊर्जा अवरोध है उसको पार करके या इधर नहीं आएगा। अब मान लीजिए हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे दो गांव है, एक गांव ए है, एक्स है, और एक गांव है वाई, और दोनों गांव के बीच में एक पहाड़ है, और एक्स गांव के लोग यदि वाई गांव में जाते हैं तो ये पहाड़ को चढ़कर ही आना पड़ता है और कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर जो है हर उम्र के व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो बूढ़े जो है या बच्चे हैं उसकी ऊर्जा कम होती है, उसकी ताकत कम होती है, तो इतना ऊंचाई को मतलब चढ़ नहीं पाते, इधर मतलब नहीं पहुंच पाएंगे। तो सिर्फ इधर कौन पहुंच पाएगा? इधर पहुंच पाएगा सिर्फ नौजवान जिसके पास ऊर्जा अधिक होता है। लेकिन यदि इसी पहाड़ को यदि हम छोटा कर दें, ऐसा काट कर ऐसे छोटा कर दें, तो ऐसा करने से ये वृद्ध भी हैं और बच्चे भी हैं, नौजवान तो कर मतलब जा ही रहे थे, ये भी चले जाते हैं, मतलब इसकी इधर से इधर जाने की क्षमता या दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरक का काम वही होता है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिकारक और जो आपस में जो क्रिया करते हैं उनके सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, ताकि इसकी ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वो दैनिक ऊर्जा को प्राप्त कर जाता है और वो प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस प्रकार से ये होता है उत्प्रेरक का प्रभाव। अब अगला पॉइंट लेते हैं दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव उन समस्त अभिक्रियाओं पर नहीं होता, ऐसे अभिक्रियाओं पर होते हैं जो गैसीय अवस्था में है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये क्रिया कर
बनाते हैं अमोनिया गैस NH3। ये जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया कर ये बनाते हैं अमोनिया, और ये तीनों गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो ऐसे अभिक्रियाओं पर दाब का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ठोस अभिक्रियाओं पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए एक गैस सामने में कुछ नहीं, मतलब एक मोल है नाइट्रोजन के, एक मोल और हाइड्रोजन के तीन मोल, और क्रिया कर बनाते हैं दो मोल, अर्थात टोटल हम करेंगे तो चार मोल, क्रिया करने पर दो मोल बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ गैसों की अणुओं की संख्या में कमी आ रही है, गैसों की अणु की संख्या में कमी आ रहा है। तो इस पर लासातेलिए का नियम कहलाता है, या लासातेलिए का नियम कहता है यदि कोई अभिकारक या क्रियाकारक जब उत्पाद बना रहा होता है तो अभिक्रिया उधर की सजाती है जिधर उसका प्रभाव नष्ट हो रहा होता है या कम हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिकारक है, इसके दाब जो है अधिक है, और ये उत्पाद है इसके दाब में कमी आ रहा है, अणु संख्या में कमी हो रहा है। तो ऐसे अभिक्रियाओं पर यदि हम दाब बढ़ा दें दाब बढ़ाने पर अधिक अधिक एनएसटी बढ़ेगा। यदि हम दाब को बढ़ा देते हैं तो अमोनिया गैस का उत्पादन अधिक होगा, और यदि हम दाब को कम कर दें तो अभिक्रिया दाहिने बाएं साइड की सज जाएगी और उसका उत्पाद कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका छठवां पॉइंट होता है दाब का प्रभाव। तो इस प्रकार से देखते हैं ये जो प्रभाव है दाब पर प्रभाव, और ये जो छह प्रकार के जो प्रभाव देख रहे हैं, ये सभी जो छह प्रकार के प्रभाव जो है अभिकारक की सांद्रता को अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है।